अकबर मुगल वंश का सबसे महान शासक था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जिनके पिता का नाम हुमायूं था। अकबर एक वीर था जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता के दम पर बहुत सारे राज्यों में अपना अधिकार जमा लिया था। अकबर की मृत्यु 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई थी। उसके निधन के बाद उसका पुत्र नसरुद्दीन सलीम जहांगीर मुगल साम्राज्य का नया शासक बना। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बादशाह अकबर की मृत्यु कैसे हुई। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर सी सिंधी, मेरा नाम है कृष्णा राजपूत। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अकबर का राज्यभिषेक 14 फरवरी सन 1556 को हुआ था। उसके दरबार में एक बुद्धिशाली बीरबल भी थे, जिनके किस्से बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद हैं। अकबर ने दक्षिण भारत के दक्कन के भाग को छोड़कर लगभग समस्त भारत पर विजय प्राप्त कर लिया था। 1594 ईस्वी में कंधार मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया, जबकि कश्मीर 1587 में मुगल सेना द्वारा जीता गया था। 1585 ईस्वी में उसके सबसे करीबी सहायक बीरबल की अफगान विद्रोह के दौरान मृत्यु हो गई। उसके अलावा 1595 ईस्वी में अकबर के कवि दोस्त फैजी की भी मृत्यु हो गई। अकबर ने स्वयं अहमदनगर के मुगल अभियान में नेतृत्व किया, जबकि विपक्ष में अहमदनगर की शासिका चांद बीबी ने अहमदनगर की सेना का नेतृत्व किया था। जब वह दक्कन के अभियान में व्यस्त था, उसी समय उसके पुत्र जहांगीर ने उत्तर भारत में विद्रोह कर दिया और अकबर के सबसे प्रिय और नवरत्नों में से एक अबुल फजल की हत्या करवा दी। इस घटना के बाद अकबर को दिल को गहरा चोट पहुंचा और उसके बाद उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता चला गया। राजा अकबर का अंत बहुत ही दुखद था। राजा अकबर के पुत्र सलीम अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करते थे, वह तरह तरह के षड्यंत्र बनाते थे। अकबर अपने पुत्र सलीम के इस तरह के कामों से बेहद दुखी रहते थे, लेकिन वह ना चाहते हुए भी अपने पुत्र की गलती को माफ कर देते थे। एक दिन अकबर को विचार आया कि अपने राज्य का उत्तराधिकारी बड़े बेटे शाहजहां खुसरो को बनाए, लेकिन समय के साथ अकबर की विचारधारा खत्म होती गई और अकबर ने शाहजहां खुसरो को अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी नहीं बनाया। इससे उसकी अकाल मृत्यु हो गई और जब राजा अकबर मृत्युशैया पर लेटे थे, तब उन्होंने अपने पुत्र सलीम की सारी गलतियों को माफ करके उसे ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इस तरह से 63 साल की उम्र में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु आगरा के फतेहपुर सिकरी में हुई थी। इतने बड़े सम्राट की मृत्यु होने पर उसकी अंत्येष्टि बिना किसी संस्कार के जल्द ही कर दी गई। परंपरा अनुसार दुर्ग में दीवार तोड़कर एक मार्ग बनवाया गया तथा उसका शव चुपचाप सिकंदरा के मकबरे में दफना दिया गया। अकबर की मृत्यु के संबंध में एक जनश्रुति प्रचलित है। अपने जीवन के उत्तरार्ध में वह अपने उपद्रवकारी उमरावों को विष की गोलियां देकर मारने लगा था। एक ही तरह की गोलियां उसके पास खाने की चीज के बहाने आती थी, पर कुछ में विष रहता था और कुछ में नहीं। इस भेद को अकबर ही जानता था और लोग नहीं जानते थे। जिसे मारना था उसे वह विष वाली गोली अपने हाथों से दे देता था और वैसी ही निर्विष गोली वह खुद उसके सामने खाता था। एक बार उसने सिंध के थत्ता नामक रियासत के गवर्नर गाजी खां को इस तरकीब से मारना चाहा, पर गलती से गोलियां बदल गई और विषाक्त गोली खाकर अकबर ने अपने ही हाथों से अपनी हत्या कर ली। कई अंग्रेज ग्रंथकारों ने इस बात को लिखी है। टोट साहब ने बूंदी के इतिहास में मानसिंह के संबंध में ऐसी ही घटना का उल्लेख किया है। तो दोस्तों, ये था वो मुख्य कारण जिसके कारण हुई थी अकबर की मौत। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आगे से आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए।